तिहाड़ जेल में गैंगवार में एक गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया पर प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों योगेश टुंडा, दीपक तितर और अन्य ने तिहाड़ जेल में लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। तिहाड़ जेल अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के रोहड़ी कोर्ट शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों योगेश टुंडा, दीपक तितर और अन्य ने तिहाड़ जेल में हमला कर उसे मार गिराया। उसे दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। टिल्लू ताजपुरिया पर रोहड़ी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या करवाने का आरोप लगा था। एडिशनल डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस अक्षत कौशल ने बताया कि आज सुबह करीब 7 बजे डीडीओ अस्पताल से 2 यूटीपी के संबंध में सूचना मिली, जिन्हें तिहाड़ जेल से अस्पताल लाया गया था। उनमें से एक सुनील उर्फ टिल्लू को बेहोशी की हालत में लाया गया था, जिसके बाद में मृत घोषित कर दिया गया। एक अन्य व्यक्ति रोहित का इलाज चल रहा है और वे खतरे से बाहर है। टिल्लू ताजपुरिया 33 वर्षीय तिहाड़ जेल की आई रिस्क वार्ड में ग्राउंड फ्लोर पर बंद था। टिल्लू घर पर सुबह करीब 6:15 पर जेल में ही बंद चार बदमाशों दीपक उर्फ तीतर, योगेश उर्फ टुंडा, राजेंद्र और रियाज खान ने सोवे हुए से हमला कर दिया है। इन आरोपियों ने लोहे की रॉड से सुआ बनाया था। घायल अवस्था में टिल्लू को अस्पताल ले जाया गया है। इससे पहले जेल में ही प्रिंस देवतिया नाम के बदमाश की हत्या की गई थी। 24 सितंबर 2021 में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर 2021 में दिल्ली के टॉप मोस्ट बदमाश जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या कर दी गई। इस मामले में सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने